हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने IIT धनबाद जिसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से भी जानते हैं, अगर आपने उसके जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन दिया था जो कि 17 अप्रैल को कंडक्ट हुई थी, उसके रिगार्डिंग रिज़ल्ट के रिगार्डिंग एक मेल आया है, रजिस्ट आया है, तो वन ऑफ द कैंडिडेट हैज सेड मी दैट सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस मेल, क्या क्या प्रो रेटा बेसिस है और 10 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन। उनके मन में एक डाउट था तो उन्होंने बोला सर प्लीज़ एक्सप्लेन। तो आपके लिए और उनके लिए, ये जिन लोगों का भी डाउट है सर रिज़ल्ट के बारे में, जूनियर असिस्टेंट के बारे में, ये मेल के बारे में, तो आप प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आते आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल को और समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये मेल। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 10 क्वेश्चन जो गलत था, कुछ खामियां थी उनमें, उनका मार्क्स सबको एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो OMR सीट अभी चेक हो रही है राइट, उसमें सिर्फ 90 क्वेश्चन का एवोल्यूशन हो रहा है। 90 क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उनका सिर्फ मार्क्स अभी अलॉट हो रहा है, जिनका सही होगा उनको मार्क्स दिए जाएंगे, जिनका गलत है उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और आपके मन में डाउट होगा 10 क्वेश्चन का क्या होगा, जो 10 क्वेश्चन है उनका क्या होगा, उसका मार्क्स क्या अलोकेट होगा कि नहीं होगा। तो जी हाँ, वो मार्क्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उनको एक कोलाबरेटिव वे में, और सबको थोड़ा थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा राइट। वो 10 मार्क्स सभी 90 को इंक्लूड कर दिया जाएगा और ये 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 90 मार्क्स का एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इस मेल में। तो ये सिंपल था मेल था। और एक और बात है, उन्होंने मेल में कहा है कि सेट ए, सेट बी, सेट डी में एक क्वेश्चन का रिवाइज आंसर की, करेक्ट आंसर की उन्होंने प्रोवाइड किया, जिसका आंसर सी या सबका आंसर होगा। तो ये उन्होंने एक मेल के थ्रू अभी जस्ट अभी मेल आया है, तो ये आपके लिए था। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप चैनल लाइक करके बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए प्रीवियस वीडियो दिखा देता हूँ, जो मेल आई थी वो दिखा देता हूँ। कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर PDF आंसर की का बुकलेट मुझे पता ही नहीं था कब आई कब गई। तो मैं प्रीवियस मेल दिखा देता हूँ और उनको दिखाता हूँ जो बोल रहे थे कि क्या कब आई थी मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, आपको अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको प्रॉपर वे से आपको ईमेल चेक करना पड़ता है, कब अपडेट, कब कब आ जाए, कब क्या आ जाए, आपको सारा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेल आया था, कब आया था, ये प्रीवियस मेल है, जो कि उन्होंने कहा था कि आंसर की विल बी अवेलेबल फ्रॉम द इन द वेबसाइट 17/4 से अवेलेबल होगा और ये 19/4 तक अवेलेबल रहेगा राइट। 17, 18, 19 ये 3 दिन तक आंसर की और जो भी PDF था वो डाउनलोड करके अवेलेबल था, ये मेल आया था। सो दिस इज़ फॉर दोज हु आर सेइंग दैट सर मुझे पता ही नहीं चला कब मेल आया कब चला गया, तो ये उनके लिए था। ठीक है, सो दिस इज वीडियो ऑल अबाउट जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट अपडेट। सो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन राइट। ये कुछ मेल था प्रीवियस, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अगर आपने रिवाइज आंसर की नहीं देखा है तो यहाँ पे है, आप इसका PDF मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप सिंपली स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, सो ये वीडियो था गाइस अबाउट जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट अपडेट। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल, सी यू इन अदर वीडियो। जब तक रिजल्ट आएगी मैं आपको रिजल्ट का लिंक इस वीडियो के इस चैनल में दे दूंगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।